नवंबर महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज हम आपको नवंबर महीने में पड़ने वाले व्रत एवं त्योहारों की जानकारी देने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर में कई व्रत एवं त्योहार आने वाले हैं। इस माह की शुरुआत रमा एकादशी से हो रही है, तो वही माह का समापन उत्पन्ना एकादशी से हो रहा है। इस महीने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा आदि के साथ कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार आने वाले हैं। आइए जानते हैं नवंबर 2021 में कौन कौन से व्रत एवं त्योहार पड़ रहे हैं। 1 नवंबर रमा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को रमा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी जी का नाम ही रमा है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। रमा एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। 2 नवंबर धनतेरस। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और धन कुबेर की उपासना की जाती है। 2 नवंबर भौम प्रदोष व्रत। जब मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि का योग बनता है तब यह व्रत रखा जाता है। मंगल ग्रह का ही एक अन्य नाम भौम है। ये व्रत हर तरह के कर्ज से छुटकारा दिलाता है। 3 नवंबर नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के त्योहार को नरक चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी दिवाली से 1 दिन पहले मनाया जाता है, इसीलिए कई लोग इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। 3 नवंबर मासिक शिवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस माह ये पर्व 3 नवंबर 2021 को बुधवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन पूजा और व्रत करने से जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। 4 नवंबर दीपावली। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाता है। इस साल गुरुवार 4 नवंबर 2021 को ये त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस साल एक ही राशि पे 4 ग्रहों के होने से दिवाली पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इस वजह से ये दिवाली लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहेगी। माता लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जातकों को लाभ भी होगा। 5 नवंबर गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, साथ ही गाय के गोबर से गोवर्धन देव बनाकर उन्हें पूजने की परंपरा भी है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस बार सुबह 5:28 से लेकर 7:55 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त शाम को 5:16 से 5:43 तक है। बहुत से स्थानों पर ये पर्व अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। 6 नवंबर भाई दूज। भाई दूज का पर्व देश भर में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहने भाई के माथे पर तिलक करके उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस साल भाई दूज पर भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से 3:21 तक का है। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे और 11 मिनट है। ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहनों के घर भोजन करने से भाइयों की उम्र बढ़ती है। इतना ही नहीं, इस दिन यमुना में डुबकी लगाने का भी काफी महत्व बताया गया है। 8 नवंबर खरना मतलब छठ पूजा। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है।
हिंदी पंचांग के अनुसार छठ पूजा का खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। 8 नवंबर विनायक चतुर्थी। हिंदू पंचांग में हर माह में दो चतुर्थी तिथि होती है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। 10 नवंबर छठ पूजा। महापर्व छठ दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने की षष्ठी यानी छठी तिथि को मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती और महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं एवं सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करती हैं। 11 नवंबर पारण। इस दिन छठ व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर घर लौटते हैं और कुल देवता ग्राम देवता को पूजने के बाद व्रत खोलती हैं। 14 नवंबर देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में विशेष माना जाता है। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस बार 14 नवंबर को सुबह 5:48 पर ये एकादशी शुरू होगी और अगले दिन सुबह यानी कि 15 नवंबर को सूर्योदय के साथ देवोत्थान एकादशी तिथि समाप्त होगी। 16 नवंबर भौम प्रदोष व्रत। इस बार नवंबर में दो बार भौम प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, यानी कि आपके पास इस बार दो मौके हैं जब आप ये व्रत रख सकते हैं। मंगल ग्रह का ही एक अन्य नाम भौम है। ये व्रत सभी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काफी कारगर है। 18 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन का शास्त्रों व पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है और इसको महापुनित पर्व भी बताया गया है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा, गंगा स्नान आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने का फल पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर मिलता है। इस दिन देव दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। 23 नवंबर संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है कि संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में दो बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। 30 नवंबर उत्पन्ना एकादशी। एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान श्री विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन ही ये प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। पद्य पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।